आप देख रहे हैं TNB। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं कांग्रेस ने अपने उन्नति विधान में यानी कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र इस दौरान जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किस तरह उत्तर प्रदेश की जनता से वादे किए हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम दिया है उन्नति विधान। इसके तहत किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, सरकार बने पर 10 दिनों के अंदर ऐसा काम किया जाएगा, जिन परिवारों को कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी उन्हें 25,000 की मदद करेंगे, 20 लाख नौकरियां देंगे, 12 लाख खाली पदों को भरा जाएगा, इसके साथ ही 8 लाख नए रोजगार के मौके उपलब्ध कराएंगे, बीमार होने पर लोगों को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा, आवारा पशुओं का नुकसान झेलने वालों को 3,000 की मदद की जाएगी, गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, इसमें 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा, सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा, आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, झुग्गी वाली जमीन आपके नाम की जाएगी, महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग होगी, पूर्व सैनिकों के लिए 1 विधान परिषद की सीट होगी, पत्रकारों के खिलाफ दायर मुकदमों को खत्म करेंगे, ग्राम प्रधान का वेतन 6,000 महीना और चौकीदारों का वेतन 5,000 तक बढ़ाया जाएगा, शिक्षकों की खाली 2 लाख पदों को भरा जाएगा, एडहॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण किया जाएगा, संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी, कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भाजपा को अपने घोषणा पत्र का नाम धोखा पत्र रखना चाहिए। 70 सालों की रट लगाने वाली भाजपा 5 सालों में अपने घोषणा पत्र के 1/4 वादे भी पूरे नहीं कर पाई। न 5 सालों के काम का हिसाब, नहीं भविष्य निर्माण का कोई विजन, इसलिए कांग्रेस ये प्रतिज्ञाओं को कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस ने जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र से कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।